तो जमशेद गीती के साथ क्या करने वाला है, एक ऐसा काम जिसको सुन के आपको लगेंगे ठीक ठाक यहाँ पर झटके, ये वैसे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अच्छा यार, जमशेद करेक्टर जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसकी कुछ ऐसी चाल है, इस करेक्टर को नेगेटिव करेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इस बात का आंसर मैं आज आपको करूंगा। नुमान भाई प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मेरी वाइफ भी आपके रिव्यूज देखती है। मैं एक्चुअली में रियल लाइफ का बदर हूं और वो रियल लाइफ की गेती। मुझे बताएं प्लीज मैं क्या करूं, क्या मैं उसका प्यार जीत पाऊंगा? तो भैया, अगर मैं वाकई लव गुरु होता तो मेरे साथ यहाँ बड़ी प्यारी खूबसूरत सी लड़की खड़ी भी होती, जिसको अरे भैया मेरे लिए तुम लोगों को यही मिली थी दवा। अब दूसरी बात यह है कि तुम्हें नुमान भाई कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोगों को अपना भाई नहीं बनाना जो अपनी वाइफ को चीट करें। और हाँ, एक बात तो तुमने खास की कि मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ को सारे क्लू जरूर देने वाला हूं कि तुम अपने इस नमूने हस्बैंड को किस तरीके से पकड़ सकती हो। तो भैया, पहली बात तो यह है कि तुम्हारे हस्बैंड का जो नाम शुरू होता है वो टी से शुरू होता है। नाम नहीं लिया मैंने, सिर्फ पहला बताया कि टी से शुरू होता है। और दूसरे नंबर पे मतलब मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जैसे ये कह रहा है कि मैं रियल लाइफ का बदर हूं और वो रियल लाइफ की गीती है, तो दैट मींस कि ये उसके घर का नौकर है। तो ऐसा कपल जो दोनों लोग मुझे देखते हैं और तुम्हारा हस्बैंड किसी के घर में करता है काम और उसका नाम शुरू होता है यहां पर भैया टी से, इसके तो जरा कान खींचो ना। द बोल ड्रामे के एपिसोड के अंदर एक ऐसा करेक्टर जो कि आगे जाके काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, वो कौन सा करेक्टर है आप लोग जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। गेती 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 तोड़ा प्यार चाहिदा, गेती 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 तोड़ा प्यार चाहिदा। अरे भैया रख, इससे भी 5 साल और करने मैंने बाल स्ट्रेट। अच्छा यार, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग हो गए थे ऑफेंड यहां पर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं शायद मैं हीरा मानी के कितना खिलाफ हूं, कितनी वो मुझे बुरी लगती है। यहां पर ठीक है 80% लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को किया लाइक, लेकिन 20% वो लोग थे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे लिया यहां पर गलत। तो भैया आप लोगों ने अभी तक लगता है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहां पर मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया था कि मैंने हीरा मानी की क्योंकि इंसल्ट किस वजह से क्या रीजन थी, सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया था। तो जल्दी से मुझे कर लें इंस्टाग्राम पे फॉलो ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो सके। तो रानिया कैरेक्टर गीती के ऊपर क्यों करती है गुस्सा, यहां पर किस वजह से उसको यह कहने पर मजबूर हो जाती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें घर से धक्के देके बाहर निकाल देती, इसके पीछे भी बड़ी मजे की स्टोरी है। तो भैया इस बात को भी मैं करूंगा आज एक्सप्लोर, काफी इंटरेस्टिंग आज का रिव्यू होने वाला है। तो फिर वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं नोट कर रहा हूं कि कुछ नए लोग आए मेरे चैनल पे, तो भैया जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेस्ट रिव्यूज होते हैं। हाय फ्रेंड्स, रुमाल मेरा, जब बात करेंगे दो बोल ड्रामे के एपिसोड 9-10 के बारे में बताऊंगा, इस एपिसोड में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन नेगेटिव, साथ में आपको ये बता चलूं एपिसोड 11-12 का टीजर भी लॉन्च हो चुका है, उसके में करेंगे थोड़ा सा रिव्यू। भैया आज की वीडियो पे जो लाइक टारगेट है वो है 2000, तो फिर जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को, और वो पॉइंट ये है कि जमशेद करेक्टर गीती के साथ क्या करने वाला है, किस वजह से जमशेद करेक्टर को नेगेटिव करेक्टर दिखाएगा, यहां पर इस करेक्टर की आखिर जरूरत क्या थी। तो भैया ये ड्रामा जो है वो बहुत हद तक मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग किस्मत नसीब की बेस के ऊपर भी दिखाया गया। यहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से आपके नसीब कहां पर चमक सकते हैं और कहां पर आपको लगता है कि आपका नसीब बहुत अच्छा है लेकिन रियलिटी में वो अच्छा नहीं होता, जिस तरह आपको आज के एपिसोड में दिखाया गया कि रानिया करेक्टर मतलब एक ऐसा करेक्टर जो कि बदर की बहन है, वो काफी होती है अपसेट और उसके पास बदर आके बैठता है, उससे कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर जमशेद के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो पाई तो इसमें कुछ बेहतरी होगी, या उसको ये कहता है मेरे ख्याल से कि जहां पर तुम्हारा नसीब होगा, जो तुम्हारे नसीब में होगा वही शख्स तुम्हें मिलेगा, तो दैट मींस उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर रानिया को इस बात का नहीं पता कि एक्चुअली में जमशेद किस तरह का बंदा है, क्या उसकी नेचर है। तो अगली एपिसोड में होना कुछ ऐसे है कि यहां पर जिस वजह से रानिया करेक्टर को भी काफी गुस्सा करते हुए दिखाया गया, काफी ज्यादा वो बुरा भला कहती है और गीती को धक्के मार के घर से निकालने की भी बातें करती है, तो भैया उसके पीछे रीजन ये होगी जमशेद आएगा बदर के घर में, यहां पर उसकी नीयत यह है कि किसी तरीके से वो ताड़े बदर की बेगम को यानी कि गीती को। अब गीती चूंकि कराची से थोड़ा सा होके ये डिसअपॉइंट, यहां पर उसकी मां से मुलाकात भी नहीं हो पाई और सबसे बढ़ के उसने देखी बदर की मोहब्बत, तो वो जब घर वापस आएगी तो
अपने आप को जरा बेहतर करने की कोशिश करेगी, अपने आप को इस घर के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो घर के कामों में थोड़ा सा ले हिस्सा, जिस वजह से उसका आपको बाजू जलते हुए दिखाया गया और वो बड़ा कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रही है क्योंकि बेचारे ने कभी ऐसे काम नहीं किए। वो मेरे ख्याल से शायद चाय लेके जाएगी जमशेद के लिए, जिसको देखने के बाद वो ये कहेगा कि भैया काफी प्यारी है तुम्हारी भाभी। आगे से रानिया उसको ये कहेगी कि हाँ प्यारी है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा गरूर है, और वो ये कहेगा कि जब इंसान इतना प्यारा हो तो थोड़ा सा उसके अंदर गरूर आ जाता है। तो ये जो आपने लाइन सुनी, मुझे लगता है कि ये इस तरह से निकल के आएगी। जमशेद गीती को केले बैठे हुए देखकर यहाँ पर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेगा, मतलब फायदा कैसा यार, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि भरे घर में अगर कोई लड़की अकेले कमरे में बैठी भी है तो तुम जाके कैसा क्या कर सकते हो, सिर्फ खुद बदनाम हो सकते हो और उसको बदनाम कर सकते हो, और तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जाएगा यहाँ पर गीती को देखेगा, बात करने की कोशिश करेगा, इवेंचुअली उसका हाथ भी पकड़ लेगा और ऊपर से आ जाएगा बदर, तो घर में होगा काफी तमाशा। इस तमाशे को बेस बना के भी यहाँ पर रानिया काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही हो गीती की कि भैया तुम्हारी वजह से जमशेद की इतनी सारी इंसल्ट होगी। एक ये रीजन हो सकती है, दूसरी रीजन डेफिनेटली ये होगी कि जिस तरीके से बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, उसके आगे चाय लेकर गई या उससे कप रिसीव करने गई, तो कुछ इस वजह से भी वो उसके ऊपर गुस्सा कर सकती है। गीती का बाजू या हाथ जल गए, जिसकी वजह से आपको एक ऐसा सीन दिखाया गया टीजर में कि बदर अपने हाथ से उसको खाना खिला रहा होता है। अब ये आगे से मोहब्बत की लव स्टोरी चूंकि आपको दिखाई गई है, तो इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे आपको सीन देखने को मिलेंगे। और आज की एपिसोड में भी एक ऐसा सीन था, मतलब जिसको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, और वो वाला सीन था जिस टाइम दिखाया गया गीती को पट्टियां करते हुए बदर की, मतलब इतना इमोशनल से भरा हुआ, इतना कमाल का लव का सीन था। इस सीन को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो दो जगह पे होंगे थम्स अप। मैंने इस सीन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इस करेक्टर को मैंने बहुत एंजॉय किया, गीती करेक्टर ने बहुत ही कमाल की यहां पर दिया परफॉर्मेंस। अब देखो भाई, ये जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, उसको हम जरूर करते हैं यहां पर अप्रिशिएट, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हीरा की जगह यहां पर शायद अच्छा चल रहा है। एक बात की मुझे वैसे समझ नहीं आई कि जिस शख्स ने यहां पर गीती को उसकी माँ का नंबर दिया और वो उसको बताती भी है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, मतलब मुझे उनके घर का दे दे एड्रेस, तो वो ये क्यों नहीं बता सकता था कि भाई तुम्हारी माँ तो गई हुई है मुल्क से बाहर, तुम उससे नहीं मिल सकती। वो इसलिए बता सकता था क्योंकि उसको उसकी माँ के घर का सिर्फ एड्रेस मालूम था, वो उसके घर के अंदर नहीं रहता। हर बात करने से कीड़े मत निकाला करो मिस्टर नोमानी। हाँ, लेकिन इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मतलब कराची में क्या लोग बिल्कुल ऐसे ताड़ के बैठे हुए होते हैं कि किसी भी जगह पर अगर कोई अकेली लड़की जाएगी तो फौरन से उसको हमने फॉलो करना और यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब करनी है हरकतें, साथ में उसको तंग भी करना है। मतलब ये बड़ा एडवांस एरिया, बड़ा अच्छा एरिया दिखाएगा, खासतौर पर इस तरह के एरिया में मुझे नहीं लगता कि कोई इतने छिछोरे लड़के पाए जाते हैं। अगर कराची में पाए जाते हैं तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ लाहौर में जैसे यहाँ पर बहरिया टाउन है या और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर काफी लीड क्लास सोसाइटीज हैं, वहां पर मुझे तो ऐसा कभी कोई सीन देखने को नहीं मिला। अरे बस करण भैया, ड्रामा यहाँ पर कोई सीन भी तो क्रिएट करना है, मतलब ड्रामे में इंटरेस्ट भी तो क्रिएट करना है, कैसी बातें आप कर रहे हो। नहीं मतलब वो तो ठीक है, ये ड्रामा और मेरे ख्याल से ड्रामा रियलिटी के काफी करीब होता है, फिल्म नहीं होती। तो अगर ये फिल्म नहीं थी तो बागी 2 वाला सीन दिखाने की क्या जरूरत थी कि जैसे वो बदर के पीछे छुप रही है, उसके पीछे बहुत खतरनाक किस्म के गुंडे भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे, यहाँ पर बड़ी कमाल की होगी फाइट। कुछ ऐसा फिलर आया था मुझे कि जैसे कोई फिल्म चल रही है लेकिन एक्चुअली भी ये ड्रामा है। एक बात की मुझे और समझ नहीं है कि यहाँ पर राइटर ने किस तरीके से ये सीन लिखा कि एक माँ जिसने बचपन से पाला, यहाँ पर 2 साल की थी तुम, तब से वो तुम्हें पाल रही है, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कर रही है, तो कैसे एक लड़की उस माँ को इग्नोर करके, बेशक वो उसकी सौतेली माँ है, उस माँ को इग्नोर करके उस माँ के पास जाएगी, मतलब जिसको ना मिली, जिसको ना देखा, जिसके साथ कोई भी फीलिंग्स अटैच नहीं है, कैसे इतनी पागल हो सकती है, अपने लविंग हस्बैंड को छोड़ के उसके पीछे भाग रही है, उससे मिलने की कोशिश कर रही है। तो मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सीन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है कि एक लड़की जो कि इमोशनल हो, यहाँ पर गीती का कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल दिखाया गया, इतनी इमोशनल लड़की कभी भी इतने प्यार करने वालों को छोड़ के किसी ऐसे शख्स के पीछे नहीं भाग सकती जिसको ना कभी देखा ना मिली, बेशक वो उसकी अपनी सगी माँ ही क्यों ना हो। तो अब बात कर रहे थे उस कैरेक्टर की जो कि आगे जाके पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाएगा, मतलब उसकी नेचर में आ जाएगा चेंज, और वो कैरेक्टर है इकबाल, यहां पर गीती का बाप। आपने इस एपिसोड में भी नोट किया कि वो जब अपनी बेटी को देखता है तो घर आके काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद उसको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में डिस्टर्ब होते हुए दिखाया गया, सोचते हुए दिखाया गया। तो ये एक ऐसा
कैरेक्टर है जो कि ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में नहीं रहेगा। जिस टाइम गीती का बाप पॉजिटिव कैरेक्टर में चेंज होगा, उसे अपनी बेटी की होगी परवाह, तो काफ़ी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा और ये चेंज डेफिनेटली गीती को भी समझाएगा आगे से। हो सकता है ड्रामे में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर बाप उसे खुद इस बात पर फोर्स करे कि बदर ज़्यादा अच्छा लड़का है। तो दोस्तों अब अगर बात कीजिए प्यार के हवाले से, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लव स्टोरीज को देखे काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं कि नोमान भाई ये प्यार क्या है, मोहब्बत क्या होती है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने प्यार को कभी किसी ज़माने में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक को देखें। इसके अंदर एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से लव को एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मेरे अकॉर्डिंग लव क्या है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग लव की डेफिनेशन कोई और हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो लव की डेफिनेशन है वो आपको ऊपर इस लिंक में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो दो बोल ड्रामा के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।